अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सना। आज मैं बना रही हूं राजमा। इसको किडनी बीन भी कहते हैं और लोबिया भी कहते हैं। कोविड की वजह से लोग घर से बाहर जाने से गुरेज करते हैं, इसलिए घर में ही मौजूद मसाले ही से बनाऊंगी। सबसे पहले मैंने एक कप राजमा को ओवरनाइट भिगो दिया था। 10 मिनट मैं कुकर में पका चुकी हूँ। हाफ दालचीनी का टुकड़ा, आधा तेज़पत्ता, एक बड़ी इलायची, हसबे ज़ायका नमक, एक कप मैंने पानी डाल दिया है। अब मैं इसको 10 मिनट पकाऊंगी। मसाले के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक प्याज बारीक कटी हुई, दो टमाटर चॉप हुए हुए, एक खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, हरा धनिया, दो मिर्चें जो मैंने बीच से काट लिए। अब हम मसाले को पकाते हैं। दो टेबलस्पून मैं ऑयल ले रही हूँ, एक दो। गरम तेल में एक टेबलस्पून ज़ीरा, इसको कड़कने तक मैं इसको पकाऊंगी। दो मिनट के बाद हमने प्याज भी डाल दी। प्याज को गोल्डन ब्राउन नहीं करना, इसको सिर्फ हल्का सा पकाना है। 5 मिनट के बाद एक टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है और कुछ सेकंड भूनना है। दो लाल टमाटर कटे हुए डालूंगी। हसबे ज़ायका मैं नमक डालूंगी। ढक्कन ढक के 4 मिनट तक मैं लो फ्लेम पर पकाऊंगी। टमाटर मेरे सॉफ्ट हो गए हैं, अब मैं इसको ठंडा करूंगी। अब ये ठंडा हो गया, अब मैं इसकी प्यूरी बनाने जा रही हूँ। प्यूरी मेरी तैयार हो चुकी है। 1/4 कप मैं ऑयल डाल रही हूँ। 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालूंगी ताकि रंग बहुत अच्छा लाल सा आ जाए। हम प्यूरी को डाल के लो फ्लेम में पकाएंगे। 1 टेबलस्पून मैंने धनिया डालना है, 1 टीस्पून मैंने हल्दी डालनी है। ढक्कन ढक के 10 मिनट तक पकाऊंगी। अब मेरी प्यूरी तैयार हो गई है। अब मैं किडनी बीन के उसमें डाल दूंगी अपनी प्यूरी को। दो कटी हुई हरी मिर्चें, मीडियम फ्लेम में 4 मिनट तक मैं पकाऊंगी। किडनी बीन मेरी रेडी हो चुकी है। अब मैंने इसमें हरा धनिया भी डाल दिया है। 1 टीस्पून में गरम मसाला डाल रही हूँ। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। मज़ेदार किडनी बीन तैयार हो चुकी है चावल के साथ। आप इसको ज़रूर बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा आपको ये कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।